बहरा, मैं सोच रहा था कि अंकल अपना क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेकर गए। अगर वॉलेट उनके पास है भी तो कितने पैसे होंगे उसमें? और इंसान जहाँ भी चला जाए उसको पैसों की जरूरत तो पड़ती है। पता नहीं, पापा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अगर हम मुश्किल में तो वो फंस चुके हैं। इंसान घर छोड़कर चला जाए तो जिंदगी में आसानियां थोड़ी आती हैं। आपको पता है आज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन मुझसे क्या बात कर रहा है। दिखावे की खातिर हंस तो रही थी मैं, लेकिन जहन सिर्फ बाबा की तरफ जा रहा था बार बार। मेरा लेकिन हालात यहां तक पहुंचे कैसे? मेरा दिल नहीं मानता कि फारिस अंकल से बदतमीजी कर सकता। बदतमीजी नहीं की उसने, उसे सिर्फ अपना फैसला सुनाया है कि वो और समन बाबा के साथ नहीं रहना चाहते। मगर क्यों? क्योंकि दिमाग खराब हो गया है उसका। आप छोड़े इस बात को। मेरा मुझे इस बात की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम मुझसे क्या छुपाती हो। बस इस बात की फिक्र है कि क्यों छुपाती हो। ऐसा नहीं है जमान, दरअसल बात यह है कि फारिस को पता चल गया है कि उस रात बाबा ने घर आकर अनुष्पा की कितनी इंसल्ट की थी। और इस बात पर उसने घर छोड़ने की धमकी दे दी। धमकी नहीं थी, वो वाकई शिफ्ट हो रहा था। हद है बेवकूफ़ी की। बात को ख़त्म करने के बजाय बढ़ाने का क्या फ़ायदा? इसीलिए नहीं बता रही थी आपको, मुझे पता था आपको बुरा लगेगा। मेरा प्लीज़ अब फारिस को समझाओ। उससे कहो कि अब अनुष्पा की वजह से कुड़ने और दूसरों पर गुस्सा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। इस बार उसे दुख अनुष्पा को गंवाने का नहीं है जमान, इस बार उसे दुख बाबा के उन रवैयों का है जो उन्होंने फारिस और अनुष्पा को दूर करने के लिए अपनाए।